हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स अभी तक हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से स्टेप्स बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं एंजाइम्स का क्या रोल है इस वीडियो में एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं किस किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है बहुत सारी जगह बायोटेक्नोलॉजी यूज में आता है तो वो ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्या है सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसकी सहायता से बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बना सकते हैं तो एग्रीकल्चर में इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जा रहा है और अभी डे टू डे लाइफ में जो हमारे पास जितनी भी वेराइटीज अवेलेबल हैं वो हाइब्रिड वैरायटी हैं ज्यादातर और वो किसकी देन है बायोटेक्नोलॉजी की देन है नेक्स्ट थेरापेटिक्स और द मेडिसिन मेडिसिन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो एग्रीकल्चर और मेडिसिनल यूज इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये हमारी अकॉर्डिंग टू एनसीआर थीम है कि यहाँ पे एनसीआर ने एग्रीकल्चर और मेडिसिनल यूज को काफी अच्छी तरीके से समझाया है नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक पर्पस डिजीज़ के डायग्नोसिस में भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल है जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोई डिसऑर्डर्स हैं डिसऑर्डर्स हैं जैसे एड्स है एच वायरस को डिटेक्ट करना है या नॉर्मली हम डेंगू टेस्ट करवाते हैं तो कोई भी टेस्ट है इसके लिए किट्स आती हैं तो जो किट्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट समझाए जाते हैं जैसे अलाइजा रिया इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो हम डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किट्स और किट्स किसकी सहायता से बने किसकी देन है बायोटेक्नोलॉजी की देन है राइट नेक्स्ट right? हम बात करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन एनर्जी के प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज है बायो रेमेडिएशन बायो रेमेडिएशन का मतलब है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से एनवायरमेंट क्लीनिंग कर रहे हैं एनवायरमेंट क्लीनिंग कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से तो ये इसका कैसा रोल हो गया बायो एंड प्रोसेस्ड फूड जो भी हमारे पास फूड है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रोसेस फूड होता है ज्यादातर जो हम मार्केट से लेते हैं सो so, उस प्रोसेस्ड फूड को बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल है तो बायोटेक्नोलॉजी का रोल कहाँ है एग्रीकल्चर मेडिसिन डायग्नोस्टिक पर्पज एनर्जी प्रोडक्शन बायो रेमेडिएशन एंड प्रोसेस्ड फूड में है तो ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है जिसमें हम डिटेल में जाएंगे इन कुछ में जैसे एग्रीकल्चर में जाएंगे मेडिसिन में जाएंगे राइट तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है देर आर थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे यानी कि फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है वो क्या क्या ऑप्शन हैं वो हम डिस्कस करेंगे पहला ऑप्शन एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल यानी कि केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हम केमिकल की के सहायता से एग्रीकल्चर कर रहे हैं केमिकल की सहायता से एग्रीकल्चर करने मतलब क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे अभी बेस्ड ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स बाय दिस इंक्रीज प्रोडक्शन बट क्वालिटी डिक्रीजेस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है थोड़ा सा मैं पहले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में आपको बता देती हूं कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एग्जैक्टली exactly होते क्या हैं तो जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स या हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की तो ये दोनों केमिकल्स हैं दोनों क्या है लेबोरेटरी में बने हुए केमिकल्स हैं क्लियर सबसे पहले हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल rich इन NPK एंड दे रिच होते हैं रिच रिच होते होते हैं Clear? Nitrogen, potassium, phosphorus होते हैं अब बेसिकली ये कब दिए जाते हैं जब हमें प्रोडक्शन अच्छा करना होता है तो फर्टिलाइजर हम ऐड करते हैं फर्टिलाइजर ऐड करते हैं क्योंकि ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं आपने छोटी क्लासेस में अपने 9, में पढ़ा है कि कुछ न्यूट्रिय जिसे मैक्रोन्यूट्रंट और माइक्रो न्यूट्रिय प्लांट को सॉइल से मिलते हैं क्लियर अब सॉइल में वो जो न्यूट्रिय है वो नेचुरली प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है न्यूट्रिएंट हमें प्लांट को देने पड़ते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें सप्लाई करना पड़ता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट उनका हमें करना पड़ता है जैसे हम खाना खाते हैं हम खाना किस लिए खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत सारे काम के लिए हमें खाना खाना होता है उसी तरीके से प्लांट्स को भी अपनी बहुत सारी एक्टिविटी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए राइट तो उन न्यूट्रिय में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के लिए उनमें से तीन है एनपी के इन्हीं को ही मिला के फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर एन पी के रिच होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं ये इजीली वाटर में डिजोल्व होते हैं और प्लांट को मिल जाते हैं ये कॉस्टली होते हैं दे आर कॉस्टली क्लियर एंड इको फ्रेंडली नहीं होते इको फ्रेंडली नहीं होते क्लियर सिंपल सा कहने का मतलब है ये एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हम फर्टिलाइजर प्लांट्स को दे रहे हैं प्लांट्स को दे रहे हैं तो नेचुरली वो प्लांट ही हम या प्लांट का प्रोडक्ट ही हम कंज्यूम कर रहे हैं भाई प्लांट का प्रोडक्ट ही तो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना तो जब प्लांट का प्रोडक्ट ही हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में भी क्या जा रहा है फर्टिलाइजर जा रहा है थ्रू प्लांट तो हमारी बॉडी को भी उससे नुकसान हो रहा है क्लियर तो फर्टिलाइजर एक्चुअली न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी करता है यानी कि न्यूट्रिशन के लिए प्लांट को दिया जाता है क्लियर वहीं हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स तो पेस्टिसाइड में वर्ड आता है पेस्ट पेस्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो कहलाते हैं पेस्ट क्लियर अनवांटेड ऑर्गेनिज्म जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं दे आर कॉल्ड पेस्ट इनको मारने के लिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स तो पेस्टिसाइड्स भी क्या है केमिकल है फर्टिलाइजर्स भी केमिकल है एंड पेस्टिसाइड भी केमिकल सब्सटेंस है ये भी केमिकल सब्सटेंस है क्लियर ये भी कॉस्टली है ये भी क्या करते हैं हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं क्लियर कॉस्टली होते हैं हो सकता है टारगेट स्पेसिफिक भी ना हो और यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है अब बेसिकली करते क्यों है इनको इस्तेमाल ये जरूरी है जानना पेस्ट को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं पेस्ट क्या है आई टोल्ड यू पेस्ट क्या है अनवॉन्टेड ऑर्गेनिज्म पेस्ट में भी इंसेक्ट पेस्ट में भी इंसेक्ट इंसेक्ट हो सकता है अनवांटेड प्लांट्स प्लांट हो सकते हैं जिनको वीड्स बोलते हैं फंगी हो सकता है एल्गे हो सकता है फंगी हो सकता है एल्गे हो, हो सकता है इंसेक्ट्स हो सकता है क्लियर रोडेंट्स हो सकते हैं रोडेंट्स जैसे चूहे जैसे जानवर एंड निमेटोड्स हो सकते हैं निमेटोड्स नीमेटोड्स यानी कि राउंड वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म तो इन सभी को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो ये सभी क्या हो गए ये सभी हो गए पेस्ट पेस्ट को यानी कि इन सब को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं अब इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड वीड्स को मारने के लिए विडिसाइड फंगी को मारने के लिए फंगीसाइड एल्गे को मारने के लिए एल्गेसाइड रोडेंट्स को खत्म करने के लिए रोडेंटिसाइड्स एंड निमेटोर्स को खत्म करने के लिए निमेटिसाइड्स होते हैं साइड्स मतलब किल करने वाले केमिकल्स तो ये टॉक्सिक होते हैं ये भी इको फ्रेंडली नहीं होते हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस करते हैं यानी कि सॉइल को भी नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट में भी जब डाले जाते हैं तो टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते हो सकता है कि प्लांट में उस पार्ट पे चले जाए जहां पे ये पेस्ट हो ही ना तो यहाँ पे एक्चुअली ये एक केमिकल्स हम यूज करें तो जब आप केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं तो ध्यान क्या रखना है हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं इसमें हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं केमिकल यूज कर रहे हैं तो केमिकल को यूज करने से प्रोडक्शन तो अच्छा होता है प्रोडक्शन तो अच्छा होता है बट क्वालिटी कम हो जाती है क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है तो पहला तरीके से हम एग्रीकल्चर करते हैं जो कि केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है क्लियर कैसा एग्रीकल्चर है केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर सो दिस इंक्रीजेस प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ेगा बट क्वालिटी डिक्रीज क्वालिटी कम हो जाएगी सेकंड ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करते हैं केमिकल फ्री एग्रीकल्चर मतलब हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं हम केमिकल के बिना एग्रीकल्चर करेंगे दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं जैसे आप मार्केट में कोई भी दाल लेने जाते हो तो हम पे आपको वेरायटी मिलती है एक नॉर्मल लिखा आता है एक ऑर्गेनिक लिखा हुआ आता है ऑर्गेनिक एक बड़ी कंपनी भी है जिसके प्रोडक्ट आज मार्केट में हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब यह है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और वो मार्केट में है जिसको हम खरीद सकते हैं बेस्ड ऑन बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड किस पे बेस्ड है बायो फर्टिलाइजर and biopesticides क्लियर तो यहां पे जब बायोपेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर की हम बात करेंगे तो यहां पे बायो आ गया मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं तो बायो फर्टिलाइजर यानी कि हम न्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं हम एक ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए एक दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं तो वो कहलाएगा बायो पेस्टिसाइड तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है दो चीज़ें होती है क्वालिटी भी एनहांस होती है प्रोडक्शन भी एनहांस होता है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा बेहतर है किससे केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से क्लियर? एक और तरीका आता है जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर जेनेटिक इंजीनियरिंग से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट बनाना ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना किस में आता है जेनेटिकल इंजीनियर्ड क्रॉप में आता है सो हियर, फॉर दिस डिजायर्ड जीन इज ट्रांसफर्ड इन प्लांट इसमें क्या किया जाता है जैसे भी हमें प्लांट बनाना है जैसी भी हमारी जरूरत है वैसी जीन हम प्लांट में ट्रांसफर करेंगे जो नया प्लांट बनेगा वो कहलाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट राइट तो इस तरीके से हम प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं सो नाउ दिस प्लांट कैन दिस प्लांट्स कॉल्ड एज जेनेटिक मॉडिफाइड आई टोल्ड यू जीएम प्लांट्स बोलते हैं इनको या इनको हम बोल सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या इनको हम बोलते हैं टेलर मेड प्लांट टेलर मेड का मतलब जैसे हम टेलर के पास कोई कपड़ा से लाने जाते हैं कोई भी चीज हमें स्टिच करानी है हम टेलर के पास जाते हैं और हम हमारी नीड के हिसाब से हमारी डिजायर के हिसाब से कह देते हैं कि भाई इसकी इतनी स्लीव्स इतनी होनी है इसकी लेंथ इतनी होनी है राइट तो उसके हिसाब से टेलर हमारी ड्रेस डिजाइन कर देते हैं उसी तरीके से जैसी भी हमारी डिजायर है जैसी भी हमारी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं प्लांट भी बना सकते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक या टेलर मेड प्लांट राइट अब कैसे बनाए जाते हैं वो उस, उस बात को समझे मान लीजिए मान लीजिए कोई प्लांट है और ये जो प्लांट है ये नॉर्मल प्लांट है ये ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं है इट इज नॉर्मल प्लांट राइट यहां पे हम बना देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट अब डिफरेंस कैसे है वो बात को समझेंगे ये ट्रांसजेनिक प्लांट है क्लियर इसके रूट्स है ये रूट्स है नाउ ये नॉर्मल प्लांट है ये नॉर्मल प्लांट है अब मान लीजिए ये जो नॉर्मल प्लांट है इस प्लांट को कोई पेस्ट आता है और खा जाता है यानी कि कोई इंसेक्ट आता है कोई इंसेक्ट यहां पे आता है और यह इंसेक्ट इस क्रॉप को नुकसान पहुंचा देता है यह इंसेक्ट इस क्रॉप को नुकसान पहुंचा देता है खा जाता है इसकी पत्तियां अब क्या करें अब किसी भी तरीके से इस प्लांट को बचाना होगा जिससे यह कीड़ा इस प्लांट को खाए ना या खाए तो ये खुद मर जाए तो ऐसे प्लांट को हमें मॉडिफाई करना होगा ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड तो बनाए तो हम जीन ट्रांसफर करेंगे क्या करेंगे हम जीन ट्रांसफर करेंगे और जीन ट्रांसफर कैसा जीन ट्रांसफर करेंगे हमारे डिजायर्ड जीन डिजायर्ड मतलब हम ये चाहते हैं हम ये ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिससे ये कीड़ा जो है ये इंसेक्ट जो है जो इस प्लांट को खा रहा है इसकी पत्तियों को खा रहा है वो मर जाए तो हम कैसा बनाएंगे इसको इंसेक्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैसा बनाएंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाएंगे क्लियर तो हम ऐसा ट्रांस जीन ट्रांसफर करेंगे जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस रखता हो अब यहां पे क्या होगा जैसे ही ये कीड़ा इसको खाने आएगा तो ये खुद ही मर जाएगा तो ये जो प्लांट बनेगा अब ये जो प्लांट बनेगा ये मॉडिफाइड प्लांट हुआ पहले नॉर्मल प्लांट को कीड़ा खा रहा था अब जैसे ही ये मॉडिफाई हुआ तो इसको अब कीड़ा खा नहीं रहा है इंसेक्ट को हार्म पहुंचा नहीं रहा है तो ये जो इंसेक्ट है इसको खाने के बाद खुद ही मर जाएगा तो ये जो प्लांट हमने बनाया इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट या टेलर मेड प्लांट हम बोलेंगे तो एग्रीकल्चर करने के अलग अलग तरीके हमने पढ़े एग्रीकल्चर करने के जो अलग-अलग तरीके हमने पढ़े उसमें पहला था केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर केमिकल की सहायता से एग्रीकल्चर किया जाता है फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की सहायता से एग्रीकल्चर किया जाता है सेकंड हमने पढ़ा कि हम ना यूज करें फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे

नहीं करेंगे तो यहां पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं प्रोडक्शन एनहांस करने के लिए